तो गाइस गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है सेकंड डे, ट्रेन में मैं उठ गई हूँ। अभी सुबह के कुछ ऐसे बज रहे होंगे 6:30-7 ऐसे बज रहे थे, मुझे इतना टाइम याद नहीं। तो मैं उठ के नीचे आ गई, मेरी मिडिल सीट थी ना, तो मैं फिर नीचे आई। मतलब हम चार जने थे, चार जनों में से बस मैं और पापा ही उठे थे, बाकी के दो भैया जो है ना सो रहे थे, अंकल सो रहे थे। तो मैं उठ के नीचे आई क्योंकि ट्रेन में और ज़्यादा सोया ही नहीं जाता यार, है ना। मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं सोया जाता, घर पे सो लूँगी मैं आराम से 10 बजे तक, लेकिन ट्रेन में नहीं सोया जाता, इसीलिए गाइस देखा आप लोगों ने कितने ज़्यादा मतलब बादल छाए हुए थे। तो जो भी है, अरे यहाँ पे तो लाइट भी है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं ना अभी अपर सीट में हूँ और पापा लोग नीचे हैं, सबसे नीचे, और मैं दिखा रही थी, देखो लाइट है यहाँ पे, मुझे अभी पता चला। तो हाय, मैं ये दूसरी नींद कर रही थी अपनी पूरी, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत टाइम लगता है जाने पर। तो मैंने कहा सीट के पैसे दिए हैं बहुत सारे, तो इसीलिए मैं सबसे ऊपर चढ़ गई थी, क्योंकि और भी सारे पैसेंजर्स थे ना, इसीलिए। तो मैं उठ के सबसे पहले सो गई और फिर मैं दोबारा नीचे उतर आई, और फिर नीचे उतर के आके सुंदर सुंदर सीन्स इंजॉय करे मैंने। ये हम गोमती पहुंच चुके थे, मतलब यूपी में तो हम एंटर कर चुके थे, और अब मैं बर्बन खाने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है, ट्रेन में चढ़ो तो कुछ नहीं, बस खाते रहो। खाने के अलावा ट्रेन में और कुछ नहीं करना आता है, खाओ, बैठो, फ़ोन देखो, चलाओ, फिर नेट नहीं चलता, फिर रुक जाओ, फिर सो जाओ, और क्या, यही तो काम है ट्रेन में। तो चलिए, देखते रहिए आज का व्लॉग, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। Thank you.
गाइस अभी हम लोग आए हैं लखनऊ, पहुँचे हैं। आए क्या नहीं, पापा गए हैं मेरे लिए लंच लेने। ऐसे वंदे भारत है। मैंने केवल इतना संकेत किया, ये हाथ काटो। मैंने और एक्सरसाइज में वो इतने दर्द करे हमें तो उसको 50 रुपये पकड़ा दे तो ये अपनी खुद अपनी कमी हम महसूस करते। फिर हमने बिल पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब बिल बताइए। बोले घर आना हमारे बोले क्वार्टर के मकान पे आ गए। हमने कहा यहाँ 10,000 देगा तो वहाँ सर 20 लाख जी हैं। हकीकत दादाजी बताएं 5 लाख रुपये लेकर के अपनी औकात से हम जितना हमारे पास था मतलब जो कुछ मौत से लेकर के 10,000 की नोट कर दी। हमने 3 लाख रुपये एक बैग में किया, 2 लाख एक में। तो गाइस मैं अभी आपको बताती हूँ अभी मेरे साथ क्या हुआ। अभी मेरे साथ हुआ धोखा। हाँ वही वाला धोखा। मतलब मैं वो चावल जितने अच्छे दिखते थे ना, कलर उन्होंने जितना करके दिया था ना, उतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था खाने में। मतलब थोड़ा सा टेस्ट ही नहीं था यार। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना खाने लायक। वो मुझे पता है मैंने कैसे खाया था। मैंने वेज लिया था और पापा ने एग वाला लिया था। तो एग में क्या था, मतलब चावल बिल्कुल सेम ही थे, बस एग इसमें एग करी ऐड थी, उसमें दही नहीं दिया था। मेरे में दही दिया था, दही तो मैं खाती नहीं हूँ, पापा को दे दी थी दही। और मतलब मैं जो खा रही थी ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मतलब उन्होंने क्यों क्या सोच कर बनाया है, उससे अच्छा उनको मैं सिखा के आती। बस मैंने जैसे तैसे उसे खाया था यार। मैं क्या ही बताऊँ, मैं बस दिखाने के लिए ही खा रही हूँ पापा के। और मतलब वेस्ट थोड़ी कर सकती थी मैं, इसलिए फिर मैंने सोचा खा ही लेती हूँ, खरीदा है। तो फिर मैं हंस रही थी। मतलब हम चारों ने लिया था ना एक एक, तो मैं उनको देख रही थी वो खाया कैसे खा रहे हैं, फिर मैं पूछ रही थी। तो इसीलिए और वो मेरे एक भैया आए थे, वही जो भैया मैंने आपको कल बताया था, वही आए थे मुझसे पूछने के लिए। उन्होंने मुझे बुलाया था खाने के लिए। तो गाइज ये है वंदे भारत। अब हम मैंने लंच कर लिया था, नहीं मतलब लंच कर रही थी तभी ट्रेन छूट के, फिर मैंने सोचा वंदे भारत है वीडियो बना लेती हूँ। देखो कर रही थी, अच्छे लग रहे हैं ना ये, बस अच्छे ही लग रहे हैं, खाने में अच्छे नहीं थे ये। जो भी है ट्रेन की चीज़ ऐसी होती है, और क्या ही कर सकती हूँ। तो ये थी वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे एक्सप्रेस आगे है क्या, मुझे पता नहीं है वैसे। जो भी है, मैंने तो कभी आज तक देखी नहीं थी वंदे भारत रियल में, इसलिए फिर मैंने देख ली ये वंदे भारत। अंदर तो नहीं देख पाई लेकिन बाहर से। हाँ ये वंदे भारत से निकली। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है ना उतर चुके हैं। ये रही हमारी ट्रेन, सब लोग लेने आए थे। यस चलिए चलते हैं जल्दी से मम्मी। खुशी हो रही है।
सबसे ज्यादा मुझे गोलू को देख के खुशी हो रही है। गोलू गोलू आओ ना मेरे पास आओ, मेरी नानी मेरी वीडियो बच्चे। गोलू गोलू आज कपड़े पहना हुआ है नीचे से। हाँ मेरी नानी, ओ नानी। गोलू को मैंने चॉकलेट ला के दिया, सब खत्म कर दिया। चलो हाय करो, हाय करो, हाय। तुम तो अच्छे बच्चे थे। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कितने दिनों बाद में मम्मा को हाथ का खाना खा रही हूँ। झींगा आलू तरकड़ी मछली का झाल। मैं कितनी काली हो गई हूँ और ये मैं खोल नहीं सकती। दाल भी बनाया है मम्मा ने, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बोल ही दिया था। इसके अंदर चटनी है, मैं दिखा नहीं सकती। अगर मैंने दिखा दिया तो ये महाराज बैठ जाएंगे, बस चटनी खाएंगे फिर बैठ के। इसीलिए कितने दिनों बाद